वो गांव में खेलता तो माँ हाथों में डंडा लेकर उसे मारने आती। आज माँ ने स्टेडियम में देखा बेटे का मैच। सिराज के लिए अपना ऑटो बेचा था, कौन जानता था ऐसे दादी एक दिन स्टेडियम में बैठ भावुक होंगी। हैदराबाद की बिरयानी नहीं, हैदराबाद की ओवैसी नहीं, हैदराबाद की सिराज भारत की सबसे बड़ी सनसनी है। भारत में झंडा हमेशा गरीब का बेटा ही गाड़ता है। यह है सिराज की फैमिली, एकदम सामान्य, ना कोई मेकअप ना ही कोई सुरक्षा। मोहम्मद सिराज जिस वक्त मैदान पर गेंदबाजी कर रहे थे, उस वक्त कैमरामैन ये तस्वीर बार बार दिखा रहा था। हम पहले सिराज के परिवार की कहानी बताते हैं, फिर आपको बताते हैं जिस खिलाड़ी को आईपीएल में खराब गेंदबाजी की वजह से गाली पड़ती थी, वो अचानक दुनिया का नया सनसनी कैसे बन गया। वो गेंद कौन सी है जिसके दम पर उन्हें सफलता मिल रही है। मोहम्मद सिराज को पिता पढ़ाना चाहते थे, माँ गांव के मैदान से सिराज को पकड़ कर लाती। ऐसा शायद हर हिंदुस्तानी घर में होता है। सिराज का मैच देखते हुए उनकी माँ भावुक हो गई। ये सिराज का परिवार है। सिराज की बॉलिंग फिलहाल भारत में अर्शदीप से अभी अच्छी है। मोहम्मद शमी और बुमराह के बाद अगर कोई भारतीय गेंदबाजी का जिम्मा संभालने वाला है तो वो है सिराज। पर ये सिराज आए कहां से? पिता ने ऑटो क्यों बेच दी थी? क्या आप भी ऑटो चलाते हैं? एक मिनट में सुनिए सिराज के संघर्ष की 20 साल की कहानी। हैदराबाद के गरीब परिवार में सिराज का जन्म हुआ। आप कह सकते हैं सिराज ने जिंदगी जीना नहीं सीखा। न महंगा कपड़ा था, न इंग्लिश मीडियम स्कूल। सिराज जिस परिवेश में पले बड़े वो हालात सामान्य नहीं थे। सिराज की जिंदगी में माँ बाप से बड़ा दर्जा विराट और रोहित का है। सिराज के साथ टीम इंडिया में भेदभाव की खबरें भी आती रही हैं, पर विराट और रोहित ने वो जगह दिलाई जिससे एक आम इंसान का परिवार आज स्टेडियम में बैठकर बेटे का मैच देख रहा था। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के 3 मैचों में 9 विकेट लिए, 7 विकेट उन्होंने पावर प्ले में ही लिए। न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाजों को भी पावर प्ले में ही आउट किया। 2022 की शुरुआत से अब तक पावर प्ले में वो ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। नई गेंद से उनकी गेंदबाजी को वर्ल्ड क्लास क्यों कहा जा रहा है? ऐसे में सवाल उठता है कि पिछले एक साल में सिराज ने ऐसा क्या किया है जिससे उनकी गेंदबाजी इतनी खतरनाक हो गई है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सिराज ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र डेवलप कर लिया है जो मौजूदा समय में सिर्फ इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के पास है। हमने इसकी गहनता से पड़ताल की। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है वोबल सीम डिलीवरी। वोबल का मतलब होता है लड़खड़ाना। गेंदबाजी में शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब बॉलर के हाथ से निकलने के बाद गेंद की सीमा स्थिर नहीं होती है, वो लड़खड़ाती रहती है, यानी वो बाएं दाएं हिलती रहती है। यानी गेंदबाज के हाथ से छूटने के बाद से पिच पर टिप्पा खाने तक गेंद की सीम एक दिशा में स्थिर रहने के बजाय दोनों दिशाओं में मूव होती रहती है। इससे बल्लेबाज कंफ्यूज रहते हैं कि गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। गेंद टप्पा खाने के बाद आउट स्विंग या इन स्विंग दोनों हो सकती है, इसलिए सिराज को विकेट मिल जाता है। ये वो कला है जो क्रिकेट की हिस्ट्री में ज्यादा गेंदबाजों के पास नहीं है। सिराज अगर ऐसी ही गेंदबाजी करते रहेंगे तो वो भारत ही नहीं दुनिया के महान तेज गेंदबाजों की लिस्ट में जगह बना लेंगे। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। उनके सामने किसी भी बल्लेबाज की हालत खराब रहती है, यहाँ तक कि वो चालाक गेंदबाज कहे जाते हैं। दुनिया के तेज गेंदबाज से ज्यादा चालाक तेज गेंदबाज सफल होते। कहने का मतलब शोएब अख्तर और शॉन टेड तो बहुत तेज गेंद फेंकते थे पर दोनों उतने सफल नहीं हुए। जेम्स एंडरसन चालाक माने जाते हैं, यानी बल्लेबाज का दिमाग रीड कर लेते हैं। सिराज लगातार यही कर रहे हैं। आउट करने से पहले बल्लेबाज से कुछ कहते हैं और अगली गेंद पर विकेट मिल जाता है। पाकिस्तान के महान गेंदबाज वसीम अकरम थे, उन्हें भी चालाक गेंदबाज कहा जाता था। एंडरसन ने 675 विकेट टेस्ट में लिए, यानी अगर सिराज की तुलना उनसे हो रही है तो यही एक सफलता है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने वॉबल सीम डिलीवरी को फेमस किया। वॉबल सीम डिलीवरी की मदद से 40 साल की उम्र में भी वो कई युवा और दिग्गज बैटर्स को परेशान कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से इसी बॉल का यूज कर एंडरसन ने कई बल्लेबाजों का करियर बर्बाद कर डाला है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच कुछ दिन पहले ही टेस्ट मैच चल रहा था। रिजवान को एक ऐसी गेंद फेंकी कि मैदान पर ही हैरान हो गए। रिजवान तो बोल्ड हो गए पर ये नहीं समझ पाए कि गेंद स्टंप तक पहुंची कैसे। इसी का नाम जेम्स एंडरसन है और ऐसा ही नाम सिराज का होगा, क्योंकि सिराज के पास भी वो हथियार आ गया है जो सबके पास नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।